ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को प्रभु प्रसाद चैनल में स्वागत है। आज के विशेष दिन दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीपावली हर प्रांत में अलग अलग रीति से मनाया जाता है। उसमें मुख्य दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। पहला दीपावली न्यू ईयर अर्थात नए साल के रूप में मनाया जाता है और बिजनेस वाले साल का नया खाता खोलते हैं। दूसरा रामायण में श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दीप जगाकर रोशन किया गया। तीसरा नरकासुर वध। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को इसी दिन मुक्त करवाया। इसी खुशी में दीपावली 2 दिन तक मनाया जाता है और इसे विजय पर्व के नाम से माना जाता है। चौथा 5 पांडव अपना 13 साल का वनवास समाप्त कर इसी दिन वापस लौटे थे। उनके लौटने की विशेष खुशी में दीप जगाकर खुशी के साथ दीपावली मनाई गई। पांचवा जैन धर्म इस पर्व को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे माना जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुई। छठा राजा विक्रमादित्य का राज तिलक इसी दिन किया गया, जिससे दीपावली का महत्व और खुशी दुगुना हो गई। सातवां सिख धर्म के लिए भी दीपावली बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को सिख धर्म के तीसरे गुरु रामदास जी ने लाल पत्र के रूप में मनाया था। सिख गुरु हर गोविंद जी ने ग्वालियर के किले में 52 राजाओं के साथ मुक्त किया जाना भी इसी की प्रमुख ऐतिहासिक घटना रही। इसलिए इस पर्व को समाज बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। आठवां विष्णु द्वारा लक्ष्मी जी को बचाना कहा जाता है। इसी दिन श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से माता लक्ष्मी को मुक्त कराया। नवा लक्ष्मी का आवाहन। दीपावली से पहले घर की सफाई की जाती है, दिया जलाकर फिर लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। आतशबाजी क्रैकर्स जला के उमंग उत्साह प्रकट करते हैं। दीपावली को दियों का त्योहार भी कहते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि
नरकासुर का वध, माना नरक के असुर। इस कलयुग को नरक कहा जाता है क्योंकि नरक माना अज्ञान और अंधकार। अज्ञान अंधकार को रात कहा जाता है, इसलिए कलयुग को रात कहा जाता है। इस कलयुगी पतित दुनिया में हर एक व्यक्ति दुखी, अशांत, चिंता, भय, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन में है। इसका मुख्य कारण है अज्ञान अंधकार। ज्ञान को रोशनी, अज्ञान को अंधकार यानी रात कहा जाता है। पांच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को अज्ञान अंधकार कहा जाता है और दिव्य गुणों को या मूल्यों को ज्ञान रोशनी कहा जाता है। इस पतित दुनिया में हमारे अंदर जो पांच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और अपनी कमी कमजोरियों को नाश करने का यादगार नरक चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। नरकासुर वध माना नरक के असुर यानी पांच विकारों को योग अग्नि में भस्म करना है। घर की सफाई माना स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सफाई। घर की सफाई के साथ साथ अपने आंतरिक स्वभाव और संस्कारों, अपनी कमी कमजोरियों को परिवर्तन करना। इसके बाद महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। महालक्ष्मी माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। महालक्ष्मी के समान सर्व गुणों में संपन्न बनना है। लक्ष्मी को सागर की पुत्री कहते हैं। सागर माना परमपिता परमात्मा जो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का सागर है, उस परमात्मा की पुत्री लक्ष्मी है। लक्ष्मी की महिमा में कहते हैं हस्त कमल, नयन कमल, मुख कमल, क्योंकि गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा जीवन बनाने का यादगार है। लक्ष्मी को सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा की जाती है। महालक्ष्मी को अष्ट लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। इसका अर्थ है कि संगम युग अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में परम पिता परमात्मा शिव के श्रीमत और मर्यादाओं को पालन कर यानी जीवन में लाकर अपने जीवन को जो धन्य बनाते हैं, वही महालक्ष्मी के राज्य में यानी नई दुनिया स्वर्ग में
दैवी गुणधारी देवता बन सकते हैं। इसी खुशी को प्रत्यक्ष करने के लिए उमंग उत्साह से आतशबाजी क्रैकर्स जलाते हैं। तो आइए हम सभी गृहस्थ में रहते अपने जीवन को परमात्म ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करके अपनी आत्मा ज्योति को जगाकर सच्ची दीपावली मनाएं। इसके लिए अपने नजदीक के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में संपर्क करें और ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट को विजिट करें। अच्छा, ओम शांति।